हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हॉल ऑफ इलाइट पास के बारे में। भाई, ये वाला इवेंट हमारे गेम के अंदर कब आने वाला है, और ये भी बताऊंगा कितने स्पिन या फिर कितने डायमंड हमें लगेंगे इस वाले इवेंट के अंदर। भाई, एक स्पिन कितने डायमंड का होने वाला है, और पूरा बंडल निकालने में, यानी कि भाई सीजन 1 से लेकर 5 तक का जो भी बंडल आ रहे, सारे बंडल निकालने में कितने सारे डायमंड लगेंगे, सारा डिटेल आज की इस वाली वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले गाइस, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। इससे क्या होगा गाइस, हमारे फ्यूचर में जो भी नए वीडियोस आएंगे, सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो गाइस, अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि आप लोग जानते हो, भाई हॉल ऑफ इलाइट पास का पहले सीजन 1 से लेके 55 तक का सारा इलाइट पास आने का था, लेकिन गाइस उसके बाद गरीना फ्री फायर ने ये किया कि पूरा इवेंट ही कैंसिल कर दिया। एंड गाइस, उसके बाद एक और अपडेट आया जिसके अंदर भाई हमें सिर्फ 5 यानी कि 1 से लेके सीजन 5 तक के इलाइट पास के बंडल देखने को मिलने वाले। तो गाइस, ये वाला बंडल हमारे गेम के अंदर भाई इंक्लूवेटर के अंदर आने वाला है। गाइस, आप लोगों को पता है, पहले हमारे गेम के अंदर जो इंक्लूवेटर आते थे वो भाई काफी ज्यादा लंबे टाइम तक के चलते थे, लेकिन गाइस अभी जो दो इंक्लूवेटर आए रिसेंटली, ये सिर्फ 7-7 दिन यानी भाई 7 डेज सिर्फ 7 दिन के लिए इंक्लूवेटर आ रहे और उसके बाद जा रहे। तो गाइस, सीजन 1 से लेके 5 तक के जो हमें लाइट पास वापस देखने को मिलेंगे, ये हमें इंक्लूवेटर के इवेंट में देखने को मिलेगा, जो कि गाइस फ्री फायर के ये लीक है कि भाई ये वाला इंक्लूवेटर हमारे गेम के अंदर 21 तारीख से लेके 31 दिसंबर के बीच में आ सकता है। लेकिन गाइस, इस वाले इंक्लूवेटर के अंदर हमें स्पिन का कोई लिमिट नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि भाई जो पहले जो हमारे इंक्लूवेटर के अंदर आते थे 400 डायमंड में आप सिर्फ 10 स्पिन कर सकते, लेकिन गाइस इसके अंदर अनलिमिटेड रहेगा। एंड गाइस, इसकी जो एक स्पिन रहेगी वो भाई 2500 डायमंड का होने वाला, यानी कि भाई 2500 डायमंड का एक स्पिन होने वाला है। इसके अंदर भाई आपका किस्मत जैसे भी है, जो भी हो, वो वाला बंडल आप लोग देखने को मिल जाएगा। इस वाले सेक्शन के अंदर हमें मेल का अलग एंड गाइस फीमेल का अलग बंडल देखने को मिलने वाला है, यानी कि भाई सीजन 1 से लेकर 5 तक का जो भी बंडल थे उनमें से मेल का अलग रहेगा, फीमेल का अलग रहेगा। एंड गाइस, एक स्पिन हमारा 2500 डायमंड का होने वाले, तो भाई डायमंड काफी ज्यादा जाने वाले। तो गाइस, डायमंड काफी ज्यादा जाने वाले, आप लोग क्या लगता है भाई, आप लोग ये बंडल निकालोगे? भाई मैं तो बोलता बिल्कुल ही मत निकालो, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सारे बंडल काफी ज्यादा रेयर है। आई मीन सीजन 1 से लेकर 5 तक के लाइट पास के जो बंडल है वो भाई सिर्फ काफी ज्यादा पुराने बंदों के पास है, इसीलिए ये सारे बंडल इतने ज्यादा रेयर है। लेकिन गाइस, इस वाले इवेंट के अंदर हमें काफी ज्यादा डायमंड जाने वाले, 2500 डायमंड का हमें एक स्पिन देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, गरीना फ्री फायर ने इस इवेंट के जरिए भाई पूरा ही लूटने का प्लानिंग किया है। बाकी गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस वाले बंडल को लो। बाकी भाई मैं तो बिल्कुल ही सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि गाइस 2023 के अंदर फ्री फायर काफी कुछ चेंजेस करने वाला है। एंड गाइस, काफी सारे नए नए और अच्छे अच्छे आइटम्स और बंडल रिवॉर्ड हमें काफी सारे देखने को मिलने वाले। तो गाइस, फिलहाल आज की इस वाली वीडियो में हॉल ऑफ इलाइट पास को लेकर अपडेट इतना ही था। जो भी था मैंने आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को बता दिया, आई होप आप लोग वीडियो मजा होगा। वीडियो मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और अमेजिंग फ्री फायर के नए नए इवेंट्स के बारे में टाइम से पहले जानने के लिए। बाकी गाइस, इस वाले इवेंट पे तो डायमंड बिल्कुल ही खर्चा मत करो भाई, 2500-2500 डायमंड का एक स्पिन देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस, उसके अंदर आपकी जो किस्मत रहेगी वो वाला बंडल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो भाई, इस वाले इवेंट से दूर रहो, 2023 में काफी सारे आइटम, काफी सारे नए नए बंडल रिवॉर्ड्स और देखने को मिलने वाले। बाकी बस गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद है लाइक कर देना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।